गुगुम की चुनौती में आपको हमारे हीरोज के पास बहुत सारा खाना देखने को मिलेगा। मेरा विश्वास करें, यह न केवल बहुत मजेदार बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी होगा। हमारे साथ बने रहें। मेरे पास केवल एक सेब क्यों है? क्योंकि बाकी सबने ले लिया है। नहीं, इसका मतलब तुम्हारे सेब वो हैं जो मेरे से बचे थे। एमा लकी नहीं है। तो क्या हुआ? दरअसल बहुत सारे सेब खाना अच्छा नहीं होता है, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है, इसलिए मेरे लिए एक ही काफी है। और मुझे लगता है कि पतझड़ के मौसम में सेब और भी स्वादिष्ट होते हैं। और इसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा भी रहता है, देखो वो कितना डरावना है। कीड़ा? बकवास, मैंने ये सेब नहीं खाया है, ये कीड़ा मुझे खाना चाहती थी। कितना भयानक है ये। अगर एमा के सेब में कीड़ा हो सकता है तो मेरे सेब में भी हो सकता है। मुझे ये जांचना है कि मेरे सेब में कोई अनचाह मेहमान तो नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। कैसे? बहुत आसान, मुझे एक स्पेशल वॉर्म स्कैनर चाहिए। बहुत अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई चीज होती है। अरे, ऐसा लगता है कि इस आखिरी सेब में कुछ है। वाह, स्कैनर ने वास्तव में मदद की है, पकड़ा गया। यदि ये मशीन नहीं होती तो मैं तुम्हें खा गया होता, या तुम मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद स्कैनर। अब मैं बाकी सेब को आराम से खा सकता हूँ। ये कितने स्वादिष्ट है, ये मेरे जीवन के सबसे ज्यादा सेब है। मुझे लगता था कि वे खट्टे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कमाल के है। मुझे एक और सेब चाहिए, तुम्हें देखकर मेरी भी भूख जाग गई है। नहीं, ये सारे मैं खाऊंगा, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब इन टुकड़ों के साथ मैं क्या करूंगा? उन्हें फेंकना अच्छा नहीं होगा, वे भी किसी काम में आ सकते हैं। बिल्कुल, उनकी मदद से मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि मेरा निशाना कितना अच्छा है। वाह, निशाने पर लग गया, तुम तो बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह हो। लड़कियों, तुम्हें क्या लगता है स्कूल में लोग मुझे क्या बुलाते थे? जस्टिस आई डायमंड। देखो, हर टुकड़ा इस बाल्टी में समा जाएगा। देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, एक भी सेब नीचे नहीं गिर रहा, सीधे बाल्टी में जा रहा है। बहुत ही अच्छा, तुम सच में अच्छे हो। वाह, क्या तुम इस तस्वीर पर हस्ताक्षर कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम कितने अच्छे हो। ग्लोरिया, अब तुम्हारी बारी है। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया है। एक चीज जो मुझे सेब में पसंद नहीं है वह है इसका छिलका, इसलिए इसको हटाना होगा। ये क्या है? ये मेरा आविष्कार है जो सारे छिलके हटा देगा, और तब सेब बहुत स्वादिष्ट होंगे। थोड़ी सावधानी से इसे कर सकती हो? छिलका ठीक हम पर गिर रहा है। क्या मेरी भी खुशी पर थोड़ा खुश हो सकते हो? हमें खुशी हो रही है, पर ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है जब तुम सेब के छिलके में हो। तो इसे अपने से हटा दो। अब सेब सुंदर लग रहा है, लेकिन मैं उसे नहीं खाऊंगी। इससे अच्छा होगा यदि मैं अपने लिए ग्लास सेब का रस बनाऊं। मैंने जूसर को घर से लाया है, मुझे पता था कि यह काम आएगा। वाह, ये बहुत ही स्वादिष्ट होना चाहिए। निश्चित रूप से जूस हमेशा स्वादिष्ट होता है। और तुमने क्या सोचा?
सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास स्वादिष्ट जूस का एक बड़ा सा ग्लास होगा जिसे पीने में बहुत मजा आएगा। जरा देखो यह कितना बड़ा है। इसके बाद तुम्हें निश्चित रूप से शौचालय की आवश्यकता पड़ेगी। अरे नहीं, तुम बस मुझसे ईर्ष्या कर रहे हो। यह कितना स्वादिष्ट है, कमाल का। उप्स, एक्स्ट्रा जूस उड़ गया। छी, कितना गंदा। लगता है इस दौर में हम लोग एक लाल मिर्च का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास इतने सारे क्यों हैं? मुझे इससे बहुत डर लगता है। इतना ज्यादा? तुमने अभी तक मेरा ढेर नहीं देखा है। लड़कियां भाग्यशाली नहीं है, उन्हें खराब मिर्च का एक पूरा पहाड़ खाना पड़ेगा और मेरे पास तो केवल एक ही है। तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक मिर्च है तो तुम पहले इसे खाओगे। यह मजाक नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुख्य बात यह है कि मैं लकी हूँ। कितना बहादुर है जस्टिन। कैसा लग रहा है, तीखा? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत तीखा है। ऐसा लगता है कि मेरे मुंह से भाप निकलेगा। अब ठीक है। अगर एक मिर्च के बाद ऐसा धमाका होता है तो मेरा क्या होगा? चलो देखते हैं। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? इसके बाद मेरी बारी है, इसलिए जल्दी मत करो। हाँ, मैं कर सकती हूँ। मुझे जरूर करना चाहिए। सब ठीक होगा, मुझसे जरूर होगा। मुझे पहले से ही लग रहा था कि मेरे अंदर सब कुछ जल रहा है और अब महसूस होगा। अब नहीं होगा। मैंने तुम्हारे लिए एक बाल्टी तैयार रखी है जिससे समय पर ठंडा पानी तुम्हारे ऊपर डाल सकूं। नहीं, बाल्टी नहीं, यह काफी गर्मी है, इसे हटाओ। ओह, लगता है अम्मा ने जोर से डाला है। डरावना नहीं है, बेशक थोड़ा दर्द होता है लेकिन अब गर्मी खत्म हो गई है। ग्लोरिया, अब तुम्हारी बारी है। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। तुमसे सब होगा, हमें पूरा विश्वास है। चलो करो। ठीक है, मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं ये जरूर करूंगी, मैं ये करके रहूंगी। नहीं, इतनी जल्दी मत करो। रुको, इससे और भी खराब होगा। मुझे परेशान मत करो। लगता है पानी से कोई सहायता नहीं मिली। सब ठीक है, तीखा नहीं लग रहा है। यहाँ तो प्रोफेशनल की मदद की जरूरत है। हेलो, जल्दी, वो रही, उसे ले जाइए। ऐसा लगता है कि उसके अंदर आग लग गई है। वाह, ठीक समय पर बुला लिया। हाँ, इस आदमी से ईर्ष्या मत करो। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे भी साथ ले चलो। ये तो विस्फोट है, लॉर्ड ने हमें भी छू लिया। देखो, लगता है कि ग्लोरिया ठीक हम लोगों पर आकर गिर पड़ी है। ग्लोरिया, तुम कैसी हो? जिंदा हो? हाँ, मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? वाह, मेरे पास कितने सारे किटकैट हैं, इतना ज्यादा। मैं भी भाग्यशाली रहा, मेरे पास कम है लेकिन इतना भी कम नहीं। मेरे पास केवल एक है, यह सही नहीं है। फिर भी तुम इसे खाने वाली पहली होगी। एक चॉकलेट के भी अपने फायदे हैं। सही कह रही हो, मैं वास्तव में इसे खाने वाली पहली व्यक्ति बनूंगी।
सबसे पहले तुम्हें इसे पैक से निकालना होगा। ए, कैंडी रैपर से सावधान रहो। मैं जल्द से जल्द किटकैट खाना चाहती हूँ। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मेरी बेचारी उंगली, उसे कितना दर्द हो रहा होगा ना। दर्द को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक और चॉकलेट बार दे सकता हूँ। वाह, धन्यवाद। ये क्या, यह मेरी चॉकलेट है, तुम्हें यह नहीं मिलेगी लालची। मैं अब इसे जल्द से जल्द खा जाना चाहता हूँ। देखो ये कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, इसलिए वो मुझे जल्दी से खाने के लिए कह रहे हैं। क्या स्वादिष्ट ट्रीट है, सब देखो, ये मुझे कितना स्वादिष्ट लग रहा है। कैसे जंगली की तरह खा रहे हो, ये मजाक नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत ही मजाकिया लग रहा है। सुनो जस्टिन, क्या तुमने अपना चेहरा देखा है? ऐसा लग रहा है कि तुमने कभी चॉकलेट खाया ही नहीं है। बेहतर होगा कि तुम डिंग मत मारो बल्कि अपने को साफ करो। लगता है मैंने चॉकलेट की दाढ़ी बना ली है। शेविंग जेल मुझे इसे हटाने में मदद करेगा, विशेष रूप से क्रीम। क्या चॉकलेट तुम्हारे लिए कम पड़ गया कि तुमने उस पर क्रीम लगा लिया? दरअसल दाढ़ी को हटाने के लिए इसकी जरूरत होती है। तड़ाम, अब मैं एक अच्छे बच्चे की तरह साफ हूँ। आखिरकार यदि जस्टिन ने खत्म कर लिया है तो मैं अपनी चॉकलेट शुरू कर सकती हूँ। सबसे पहले सभी कैंडी रैपर हटाने होंगे। सावधानी से, नहीं तो तुम मुझे उसमें डुबो दोगी। ये तुमने क्या कर दिया? मैं ग्लोरिया को भी डुबो सकता था। मुझे माफ करो, मैं अपने स्वादिष्ट किटकैट को खाना चाहती हूँ। दोस्तों तुम सही थे, यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं लगता कि उसे कोई आपत्ति होगी यदि वह सिर्फ एक चुराता हूँ तो। या दो, मुझे भी चाहिए। मेरे चॉकलेट से हाथ हटाओ, मैं तुम्हारे बिना भी उन्हें संभाल सकती हूँ, खासकर जब से मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। केवल चॉकलेट खाना उबाऊ होता है, लेकिन उसे पीना बहुत ही अच्छा होता है। ड्रायर की मदद से मैं अपने लिए एक चॉकलेट कॉकटेल बना सकती हूँ। अच्छा आइडिया है, इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। यह दिख रहा है कि हम लोगों में कौन सबसे ज्यादा स्मार्ट है। लगता है वास्तव में कॉकटेल बहुत ही स्वादिष्ट है। ग्लोरिया, हमारे पास स्ट्रॉ भी है, क्यों नहीं, चलो पीते हैं। अब चॉकलेट खत्म हो गई, ये स्वादिष्ट था। अरे यह इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया? मुझे पता है कि इसके लिए कौन दोषी है, यहाँ हम लोग हैं। चिंता मत करो, हमें भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन चिप्स बुरा नहीं है, लेकिन इसके साथ सॉस अच्छा रहेगा, यह बढ़िया रहेगा। एकदम मस्त। ओके। अरे क्या वो तीखा नहीं है? मुझे तो बहुत अजीब तरह के आलू मिले हैं, मुझे इन्हें बेहतर बनाना होगा। तुम क्या कर रही हो एमा? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। और यह देखो, चॉकलेट फ्रेंच फ्राइज। अब यह हुई ना बात, क्या तुम्हें एक चाहिए सारा? यह तो सच में बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक रही हूँ, देखो और सीखो।
तुम्हारे डिश से मिलते जुलते चॉकलेट प्रिंगल्स। आलू से कितना कुछ बनाया जाता है। मम्मी, तुम तो एक जादुई शेफ हो। तुम्हारे सफलता के लिए चीयर्स। ओह, इसका तीखा स्वाद अब पता चल रहा है। मैंने तुम्हें बोला था कि एक टबैस्को एक अच्छा आइडिया नहीं है। शुक्रिया एमा, आश्चर्य है लेकिन उससे मेरी मदद हुई। चलो देखते हैं कि इन ढक्कनों के नीचे क्या है। लाइट बल्ब? मुझे नहीं लगता इसे खाना कोई बुद्धिमानी का काम होगा। मुझे भी एक बल्ब मिला है लेकिन तुम्हारे से बहुत अलग। एकदम वही है जो मुझे लगा था। शायद मैं भी अपना खा सकती हूँ। तुमने तो बल्ब चालू कर दिया सारा। अरे वाह, इस तरह तो मैं बिजली बहुत अच्छे से बचा सकती हूँ। मुझे भी यह करना है। देखो और सीखो। तुम मुझे शॉक दे रही हो। माफ करना, मेरा यह करने का मतलब नहीं था, लेकिन जब तक तुम वापस होश में आती हो तब तक मैं यह ले लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई दिक्कत होगी। इस बार मैं शुरू करती हूँ। अरे वाह, चॉकलेट के सिक्के। और इसका मतलब है कि मुझे मिला है पैसों का एक बड़ा बंडल। मैं अमीर हो गई। मुझे तो लगता है कि तब भी मुझे ज्यादा अच्छी चीज मिली है। तुम मजाक कर रही हो ना? मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ। शायद इसमें स्नान भी कर पाऊँ। ठीक है, अब सपने देखना बंद करो और काम पर लग जाओ। यह नकली है। ओह, तुम तो बिना मतलब आसमान में उड़ रही थी। क्या यह हमें बता रही है कि हमें बाल बनाने होंगे? खैर मुझे नहीं, मेरा हिस्सा तो चॉकलेट का बना है तो मैं बस इसे खा लेती हूँ। तब मुझे क्या करना होगा? बिंगो! वैसे इधर उधर थोड़ा काटने से कुछ बुरा नहीं होगा। और चलो आगे में भी थोड़ा काट लेती हूँ। सारा, तुम्हें सच में रुक जाना चाहिए। क्या कह रही हो तुम? यह तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तुम्हारी भी काट सकती हूँ। किसी भी हाल में नहीं, हटो यहाँ से। हाँ हाँ, मैं पहले जाऊंगी। कितना प्यारा सा टुकड़ा है चीज का। और अब वह दूसरी डिश। वाह, मीठे के अलावा और कुछ नहीं मेरे लिए। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, इसकी खुशबू तो लाजवाब है। एमा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी नहीं दोगी? ओह, दूसरों का खाना छूना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, तुम सही कह रही हो। लेकिन मुझे अपना डिश बेहतर बनाना है और मुझे पता है कैसे। हाँ, कृपया जल्दी से। कहाँ जा रही हो तुम? मेरा ऑर्डर आ गया, इसे मुझे दे दो। ओह, मिल गया। मेरे पास एक पूरा प्लेट स्वादिष्ट पास्ता का है।
इसमें सिर्फ चीज की कमी है जो शुक्र है कि मेरे पास है। पास्ता अच्छा है, आखिरकार मैं मन भर कर खा सकती हूँ। वो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मैं तुम्हें इसे सूंघने दूंगी, लेकिन इसे खाना मेरा काम है। ठीक है फिर। मैंने ये ड्रेस क्यों पहना है? ओ अब समझ आया, मुझे इन नए जूतों के साथ एक अच्छी ड्रेस की जरूरत थी। उसे पहनकर जितना दर्द होगा उसका आनंद लो। मैं तो यहाँ पूरे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट हील को खा रही हूँ। मुझे तो यह पहनना ही होगा। एकदम अच्छे से अट गया। मैं तो एक असली राजकुमारी जैसा महसूस कर रही हूँ। क्या वो वही है जो मुझे लगता है? इस जूते की जोड़ी? मोहतरमा क्या मैं? अगर यह आपके पैर में अट जाए तब हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अपना हाथ मुझे दो और मेरे साथ चलो। तुम कहाँ जा रही हो? तुम उस लड़के को जानती तक नहीं हो। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरा राजकुमार मिल गया। मैं तो बता ही नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। आशा है कि तुम स्वादिष्ट हो। आखिरकार मुझे खाने के लिए एक बाइट मिलेगा। क्या इस वीडियो के अंत को देखकर आप उदास हो गए? तो उदास मत होइए, बस इन ब्लूपर्स को देखिए और याद रखिए कि हर फेरी टेल का अच्छा अंत होता है। और अगर अंत अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कहानी अभी भी बाकी है दोस्तों, और शायद यह हमारे अगली चुनौती में ही मिल जाए। इसे देखना मत भूलिएगा।